तो मौसी को भी करना था, मौसी का वेट 60 है, मम्मी का वेट 60 है, मेरा थोड़ा ज्यादा ही है, मेरा तो चांस ही नहीं है। एक्चुअली एंट्री देना था पर हम लोग ने ना यहाँ से चोरी छुप के आ गए हम लोग, तो अभी केव्स के अंदर हम लोग छुपने जा रहे हैं। ओके सो हे गाइस, मैं हूं आपका हितेश मेहता, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम एक फैमिली ट्रिप पे जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं वो तो आपको पता ही चलेगा, जिसका नाम है केरॉक्स माउंटेन रिसॉर्ट्स, वहाँ पे डैम वगैरह है। और हम किसके साथ जाने वाले हैं वो थोड़ा यूनिक पार्ट है, क्योंकि आज हम फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाले हैं। मौसी होगी, मम्मी रहेगी, भैया भाभी रहेंगे और नाना नानी रहेंगे। एक सो एक प्रॉपर एक फैमिली व्लॉग होगा, कि मानसून का टाइम है, हम लोग सब आए। और हम आपको बताना भूल गया, फिलहाल हम लोग हैं पुणे में मेरे भाई के घर पे, तो अभी आपको सबसे मिलाऊंगा। अभी सब लोग अभी रेडियो के नीचे चले गए और मैं बहुत ज़्यादा लेट उठा था। और आज का आउटफिट हमारा ये है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, ये उनका घर है भैया का, तो ये भाभी है मेरी और ये मेरे भैया। वही मैंने बोला रूम टूर के लिए उनके चैनल पर जाना पड़ेगा, और अभी से इन दोनों को घर बंद करना था इसलिए रुके थे। और बाकी सब नीचे चले गए, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट करते हैं। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, भरोसा मत करो, भरोसा करो मेरा, बिल्कुल भरोसा मत करो। सबसे लेट देख रहे हो ना कौन आ रहा है। बाकी की फैमिली तो नीचे है, और हम लोग जैसे कि मैंने कहा कि मौसी, मेरी मम्मी, नाना नानी सब है, तो एक गाड़ी में तो सब आएंगे नहीं, तो इसके लिए एक मेरी गाड़ी है, एक भाई की गाड़ी है, तो हम ऐसे दो गाड़ी से जाएंगे। और मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ, नीचे जाते जाते फिर जाते हैं। हाँ मैंने दिखा दिया था, चलो इधर से देख लो, चलो ट्रांजिशन लो। वो ओके, सो ये है हमारा आउटफिट। सॉरी वो फ्लैश लाइट ऑन हो गया, बट कोई ना, अब देख सकते हो ये, और ये इनका आउटफिट है। ओके सो गाइस, अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, और नीचे आते मम्मी पोज देके फोटो निकाल रही थी। ये मेरे नाना है, हेलो हेलो, और नानी, हेलो गर अजी, मौसी हाय, दोनों सगे बहन है और दोनों हमेशा बिजी रहते फोटोशूट में। इधर ये एक गाड़ी है और मेरी गाड़ी बाहर है, क्योंकि मैं विजिटर्स पार्किंग में लगा रहा हूँ गाड़ी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई रहता है यहाँ पे, मैं नहीं रहता यहाँ पे। आपको फैमिली से तो मिला लिया मैंने, अब मेरे दिल से मिल लो और व्लॉग एंजॉय कर लो। ओ बारिश हो रही है, तो अभी देखते हैं वहाँ जाके क्या है क्या नहीं। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, आप लोग भी पहली बार जा रहे होंगे, सो वीडियो पूरे एंड तक देखना और आप लोग अभी सिनेमैटिक्स एंजॉय करना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि मानसून ही एक टाइम रहता है जहाँ पे ग्रीनरी रहती है, सब कुछ रहता है, मैं भी रहता हूँ आपके साथ वीडियो में, तो अभी सीधा मिलते हैं सिनेमैटिक्स में। का व्यू बहुत ही अच्छा, मेरे को पता नहीं था पुणे में इतना अच्छा लोकेशन है। और दूसरी गाड़ी जस्ट पीछे है, वो ब्लू कलर की गाड़ी जैसे देख सकते हो, और बहुत स्लो ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि रोड बहुत खराब है, देख लो अभी, देख लो कितना खराब रोड है। मैं ऐसा ब्लॉक कर रहा हूँ, हाँ। सो यह अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। अब जब भी आओगे ना, ऐसे सेडान में मत आया करो, क्योंकि ना आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा घिसेगी नीचे। अभी मेरी वेरना है, मेरी तो बार बार घिसती रहती नीचे, तो आप लोग आओगे तो एसयूवी में आओ। सॉलिड ना, पानी में व्यू दिखाओ, तन्ना ऑडियंस को व्यू दिखाओ, अरे मोबाइल लेके दिखाओ, हाथ से नहीं नहीं नहीं, ये रहा डैम, गिराना मत सिर्फ मोबाइल। कैसे लगा आपको व्यू? अरे ये व्यू है, दो व्यू है आपके पास। सो या अभी फिलहाल तो हम लोग तो ये साइड तो आ गए हैं, अभी फटाफट हॉल्ट करेंगे, कुछ खाएंगे भी यहाँ पे। फिशिंग कुछ तो हो रहा है, बहुत एक्टिविटीज हो रही है। चलो जाते हैं आगे जाके पूरा चेक करते, उतर के पार्क करके चेक करते हैं। रोड तो बहुत खराब है, पहले ड्राइव कर लेता हूँ। ओके सो गाइस, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत लोगों को पता है कि मेरा ये 31st जो कि है सैटरडे को मेरा बर्थडे आ रहा है,
सो हर साल की तरह मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ अनबॉक्सिंग गिफ्ट्स जो आप लोग भेजते हो. सो या इस बार भी मैं बनाने का सोच रहा हूँ. तो आप लोग के मतलब मुझे ऑलरेडी थोड़े पार्सल्स रिसीव हुए हैं, बट जो लोग नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, आप लोग ये मेरे शिपिंग एड्रेस पे चीज़ें भेज सकते हो जिसको मैं अनबॉक्स करके एक न्यू यूट्यूब वीडियो बनाऊँ अनबॉक्सिंग वाली. सो या ये मेरा शिपिंग एड्रेस है, आप जाके, और मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाला है, आप जाके चेक कर सकते हो. और आपको कुछ भी आपका आर्ट वर्क रहेगा जो आपने स्केच बनाए रहे, आप जो जो सारी चीज़ें बनाती है छोटी छोटी चीज़ें. सो या मैं बर्थडे के दिन सब अनबॉक्स करने वाला हूँ, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होने वाली है. बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं. तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे आ गए हैं, के रॉक्स करके नाम है कुछ. बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह बनाई है. प्रमोशन नहीं कर रहा, नेचुरली बता रहा हूँ. एंड या इधर छोटे छोटे टेंट्स है, वहाँ पे बोटिंग हो रहा है. इधर को पीछे लेक है, तुमको दिखाता हूँ. यहाँ पे जो लेक है ना, यहाँ पे बोटिंग हो रहा है. हम लोग जा रहे हैं फिलहाल कुछ खाने की तरफ. वो देखो क्या है, इतना टाइम रुकने के बाद फाइनली हमें जगह मिल गई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे बार बार लोग आते रहते हैं और हम लोग वीकेंड्स आए थे इसलिए हम लोग को जगह नहीं मिल रही थी. सो फाइनली एक जगह हो चुकी है, रिजर्व हो चुकी है. और अभी वो थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं, सब ऐसे रुके हैं. और मेरे मम्मी और मौसी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, वो तो सिर्फ फोटोशूट ही करते हैं और वो आ गए नाम लेते ही. तो अभी जस्ट न्यूज़ चैनल वाले आए थे, जैसे कि हम लोग ने अभी इंटरव्यू दिया, तो कल के न्यूज़ चैनल पे भी दिखेंगे, क्योंकि अभी जस्ट नया रेस्टोरेंट है, सब लोग ने अपना अपना एक एक चीज़ बताया. क्या अभी जस्ट हम लोग बैठे हैं, सामने बीच है, मस्त टेबल है और मैं हूँ, और मस्त अभी खाना आएगा. तो अभी फटाफट हम खाना खाएंगे, ऑर्डर देंगे कुछ अच्छा सा चीज़. क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, कैसे होगा यहाँ का टेस्ट, बट इंटरव्यू में तो बहुत फेंकना पड़ता है, जैसे कि अच्छा 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 है, क्योंकि यार बोलना पड़ता है. अभी क्या बोले, मेनू भी ला दिया है भाई ने सामने, फटाफट ऑर्डर करेंगे. और अब लोग देखो हम लोग क्या खाते हैं और क्या ऑर्डर करते हैं. तो अभी जस्ट हमारा फोटोशूट जाते हैं इसलिए फोटो बोलता हूँ. अभी जस्ट खाना हुआ है और सब लोग आ गए हैं. चिराग हरोला, ये देखो इनका एक एक लोकेशन. इतना मेरे फोटोशूट एक साल में नहीं किया, इतना एक दिन में कर रही है. तो अभी हम लोग बाहर की साइड आ गए, जहाँ पे लाइक हॉर्सेस वगैरह थे वहाँ पे. यहाँ पे बच्चे लोग का खेलने के लिए है, बट अभी तो कोई बच्चा है नहीं, सब बड़े हो गए. और यार मस्त है यार, ये तो ये देखो हवा देखो कितनी जोर से आ रही है और सब बहुत सही है. आज जॉली बीन्स इनएक्टिव है हमारा, बट हम लोग वापस बनाएंगे. आज जॉली कम हो गया, जॉली करने का जिम्मेदारी हितेशी के ऊपर है. तो आप सब फॉलो एंड सब्सक्राइब करो. हाँ जी, ये चैनल का नाम है, ये देखो श्वेता के फेस पे आएगा वो चैनल का नाम आएगा आपको. चलो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, यानी वहाँ पे इंक्वायरी करते हैं, अभी फटाफट पूछते हैं. और मौसी को भी बैठना है ना. yes. चलो फिर जाएंगे बैठेंगे, देखते चलो पूछते पहले क्या है क्या नहीं. तो अभी हम ले रहे जैकेट्स एक एक, ये छोटा है, ये छोटा नहीं, छोटा पैकेट नहीं, सब बड़े लोग हैं. ये लो जैकेट्स, कितना जैकेट हुआ ये, और ये वाला मेरा. चलो जाते हैं. तो जैकेट भी अपना लोड हो चुका है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको और ब्लॉग्स देखने हैं मेरे, तो जैकेट बहुत ज़रूरी है. आई शॉपर हितेश इज फाइनली रेडी फॉर बोटिंग. अभी हम लोग पानी में उतरने वाले हैं. कैन यू सी द व्यू, इट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल. हाँ जी, एक ये ड्रैगन में, ये चार्ली जार्ड वाला है. एंड ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है इनके आउटफिट को आज, ग्रीन एंड रेड एंड ऑल बोथ पियर्स. अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई अच्छी सी बोट मिलेगी ना तो उसमें हम बैठेंगे. तो मेरी सबसे पहले एंट्री होगी. इसमें पांच लोग कैसे बैठेंगे, मेरे को चार सीट दिख रही है सिर्फ. पांच लोग बैठ जाएंगे. जी, मासी इज हियर नाउ, शी इज गोना गेट इन. मासी अंदर जा रहे हैं अब. अब ये कुछ आने वाला
क्या बात है। तो अभी हम पैडल हम लोग ने पैडल बोट लिया हो रही है अभी, उसके पहले पहुंचना है क्योंकि इधर भीग गए तो ऑप्शन ही नहीं है। सो यार थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, उसके पहले हम ट्राई कर रहे हैं वहां पे पहुंचने के लिए। वॉश और में ही मेहनत कर रहे हैं। काय डोंगूर काय पानी, इट्स ओके। डर रही है मम्मी, मैंने बोला बोट उल्टी नहीं होगी, नहीं होगी। मम्मी तो डर गई है, मैं लास्ट में उतरूंगा। मस्त ये चमारी दिक्कत नहीं है, आराम से उतरने यार। अरे मम्मी आया है वापस व्लॉगर। आ गया मैं वापस, बैक टू पनवेल, नहीं सॉरी बैक टू पवेलियन। फोन किधर है? अरे फोन इधर है, फोन ढूंढ रहा है, फोन ढूंढ रहे हैं। ऐसे राइड करके आए जैसे कि आप लोगों को पता है, और आके अब एक चीज़ तो बनती है यार, कांदा भजी और गरम गरम चाय। तो अब फटाफट कांदा भजी और गरम गरम चाय पियेंगे। सो गाइज अभी सीन ऐसा हुआ है कि सब लोग अभी घर निकलने का प्लान था, बट उनकी गाड़ी में नाना नानी भैया भाभी सब चले गए और मेरे गाड़ी में मम्मी और मौसी थे। तो हम लोग ऐसी निकल रहे थे गाड़ी लेके, और मैंने सडनली उन लोग को बोला कि तुम लोग जाओ, मैं इन दोनों को लेके और घुमा रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे को और YouTube वीडियो मेरे को लंबी चाहिए थी यार, थोड़ा और मतलब घूमना था मेरे को। सो यार हम लोग और एक रिसोर्ट के इधर आ गए, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं। जस्ट उसके साइड में ही था और बहुत ही प्यारा है, जैसे कि आप देख सकते हो। मेरे को नाम तो मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली। यहाँ पे बाहर पार्किंग थी तो हम लोग ने डायरेक्टली अंदर गाड़ी ली, हम लोग ने बोला इंक्वायरी करनी है, ये वो कुछ तो बोला यार। तो अभी हम लोग डायरेक्टली अंदर आ गए, अभी देखते एक्सप्लोर करते हैं यार कुछ तो। फोटोशूट हो रहा है, ये हम लोग एक जगह आया है, बहुत प्यारा है। देखो हाँ देखो अभी कितना प्यारा वाइब है। तो यह अभी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे किधर क्या है मम्मी और मौसी के साथ। मस्त तरफ व्यू, हाँ सुंदर एकदम। ये क्या है? अरे ये क्या किया? मौसी मौसी तो डायरेक्टली भाग गई वहाँ पे। ओ ये देखो कितनी प्यारी जगह है, देखो ये है लवर्स पैराडाइज, इसको बोल दिया लवर्स पैराडाइज। तो वो मूव हो रहा है, टिकट निकालना पड़ता है यहाँ पे। और मेरे मौसी ने डायरेक्टली यहाँ से ट्रेस पास किया, तो अभी पता नहीं कॉट 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 चलो निकल दे। वो कैमल जा रहा है हम लोग का। अरे मैं कंफ्यूज हूँ, ये करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, सोच रहा हूँ ये करने का सोच रहा हूँ मैं, बट अभी देखते हैं इसका कैसा होगा क्या नहीं। रहने नहीं दिए क्योंकि मेरा ओवरवेट हूँ मैं, क्योंकि 50 के नीचे के ही जा सकते हैं, तो मैं 75 हूँ, तो मेरे को लिए नहीं, तो मैं भैया को चार्ज कर रहा हूँ कि उड़ा उड़ा ये टेंशन में आ गए सब स्ट्रेंजर्स है। कुछ सपने अधूरे रहते हैं, गा तो हो गया अजून वेट कमी झाला असेल आता। मेरी मौसी अन्न लोगों को भी नहीं छोड़ती, ये भी नहीं हो पाएगा। तो भाई जब तक आप बच्चे हो आपका वेट कम है, सब मजे कर लो, नहीं तो आपकी हालत मेरे जैसे हो जाएगी। हाँ सब्सक्राइब करने बोलो, लाइक करने बोलो, कमेंट भी करने बोलो। अरे क्या बात है, अभी तो हो जाना चाहिए। तो गाइस अभी ना इसके अंदर आने के लिए ना एक्चुअली एंट्री देना था, पर हम लोग ने ना यहाँ से चोरी छुप के आ गए हम लोग, तो अभी केव्स के अंदर हम लोग छुपने जा रहे हैं, पकड़ने नहीं चाहिए कोई, चुना अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, छुप छुप के आ गए हम लोग। ओ ये तो अलग ही भाई है, चोरी छुप के चीज करने में मजा आती है। वाह ये देखना चाहिए आप लोग को, ये देखना चाहिए। Golden state of mind, we on that. Golden state of mind, we on that. West coast, west coast.
तो ये केव था, हम लोग एक गली से निकले और ये देखो हम लोग ने क्या एक्सप्लोर किया है। इस हम लोग ने इतना सब कुछ एक्सप्लोर किया, सब चोरी छुप के आपको दिखा दे हम कहाँ से आए थे। सो फाइनली आ गए हम लोग चोरी छुप के। ये दोनों मैंने बिगाड़ दिया पता है मौसी और मम्मी को, ये सब चीज कराने लगा रहा हूँ मैं, बट इसी में मजा यार। तो अभी जस्ट बहुत ज्यादा पार्टी की हम सब ने, बहुत ज्यादा एंजॉय किया और हम लोग प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे टेंट में रहने के लिए, चलिए यहाँ पे टेंट से हम लोग सोच रहे थे यार टेंट में रहने के लिए, बट कोई ना टेंट में नहीं रहेगा क्योंकि हमारा घर बहुत ज्यादा नजदीक है। सो यार अभी फटाक से कार में जाते हैं सबसे पहले और वहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉपीराइट लग जाएगा। रोड बहुत खराब था सो ड्राइव करते टाइम मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह नहीं डाले। मत पूछो कि हम किधर जा रहे हैं क्योंकि ये वॉचमैन बार बार पूछते हैं हमें हम किधर जा रहे हैं, फिर हम लोग बोलते हैं बार बार कि इधर ही घर है हम लोग का। इस बार बोलने का चांस ही नहीं दिया। आज का छोटा सा व्लॉग था, हम लोग ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अगर आप लोगों ने भी मेरे जितना इन्जॉय किया रहेगा वीडियो, तो आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं, जो कि आप हमेशा करते हो वीडियो खत्म होने के पहले। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज़्यादा प्यार आए तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। हितेशी एरा ज्वाइन करो सब्सक्राइब करके। नहीं मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।